दिल्ली के नंदनगरी में मर्डर से मचा हड़कंप। छेड़छाड़ का विरोध किया तो मनीष को उतार दिया मौत के घाट। पुलिस ने सलमान और अरबाज को किया गिरफ्तार। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां सलमान और अरबाज नाम के दो युवकों ने मनीष नाम के युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी। वाकया बीते शुक्रवार का है। रात करीब 9:30 बजे दो युवक लड़की से छेड़छाड़ कर रहे थे। उसी दौरान एक युवक जिसका नाम मनीष था ने इसका विरोध किया। विरोध करने पर मनीष पर चाकू से हमला कर दिया गया जिससे उसकी जान चली गई। दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक मनीष के रिश्तेदार ने कॉल करके सूचना दी थी कि सलमान और अरबाज नाम के दो भाई एक लड़की से छेड़छाड़ कर रहे हैं। जब उसने इसका विरोध किया तो दोनों को रोका और आरोपी उसे धमकाने लगे। भैया मेरे को इंसाफ चाहिए मेरा बेटा का। हम तो अपने घर पे ही थे, पलंग पार्क में गया था, पार्क में मार लिया वो एक लड़की को पार्क में। हमें कुछ पता नहीं था, बताऊं जी तो घर पे ही यहाँ लड़की को छेड़ रहे थे लड़के। वो लड़के ने जने गली के लड़के ने वो लड़की बचाई उस लड़की को बचाने में और इन पे हावी है गए। लड़की बचाने में कोई लड़ाई नहीं थी। मेरे बच्चे के दो बच्चे फांसी चाहिए मेरे को, कुछ ना चाहिए। जो मेरा बेटा चला गया तो उनके भी औलाद जानी चाहिए। हमारे ना उनके बाप ने कहिया मारो मारो, पूरा परिवार लड़कों ने लड़का के बाप ने भी मरवाए खड़े है के मारो मारो। हाँ खूब मारे बाप खड़े है के मरवाए बाप ने तो मारो मारो मारो। यहाँ पे छेड़खानी वगैरह आम है? हाँ आम है, रोज की है रोज की। इसके बाद आरोपियों यानी सलमान और अरबाज का किशन के भतीजे मनीष से विवाद हो गया। पुलिस के मुताबिक किशन कुमार केबल ऑपरेटर है। जब किशन मौके पर पहुंचा तो देखा कि अरबाज मनीष को पकड़कर खड़ा था और सलमान ने चाकू से मनीष की गर्दन पर वार कर दिया। दो लड़के यहाँ पे लड़की छेड़ रहे थे, मारपीट कर रहे थे उससे। एक लड़का उसने बोलने लगा तो उसको मार रहे थे, बस मैंने बीच बिछाया करा दिया और मैंने उसे भगा दिया। उसका बाबा आके मेरे से बोलने लगा तुमने मेरे बच्चे को मारा, मैंने ये दारू भी रखी है, लड़की छेड़ रहा था, भगा दिया यहाँ से। करा भी देख तुम ड्रामे देखना भी क्या होगा। अब मेरा भतीजा वहाँ पे पार्क में खड़ा हुआ था, ये 4-5 जने आए घर घर के और इन्होंने आके चाकू वाकू मार दिए उसके। वाकया नंदनगरी के एच ब्लॉक पार्क गली नंबर 1 सुंदर नगरी में हुआ। मनीष को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सलमान चाय की दुकान चलाता है जबकि अरबाज मजदूर है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को भी बरामद कर लिया है। अब हर एक एंगल से मामले की जांच की जा रही है। उधर दिल्ली के सीएम आतिशी ने बुधवार को मृतक के परिवार वालों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। दिल्ली सरकार की ओर से मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस दौरान दिल्ली की सीएम ने कहा कि भाजपा शासित केंद्र सरकार के पास दिल्ली में सिर्फ एक काम है, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, लेकिन वो इसमें पूरी तरह से फेल हो गई है। शहर में सरेआम गोलियां चलना, उगाही, मर्डर रोजमर्रा की बात हो गई है, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। अमित शाह जी राजनीति करने के बजाय दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को संभालने की अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आपकी नाकामी से दिल्ली क्राइम कैपिटल बन चुकी है। यहाँ पर मनीष के परिवार के साथ हमारी मुलाकात हुई। एक यंग लड़का जिसकी जान इसलिए गई क्योंकि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का पूरा ब्रेकडाउन है। ये बहुत दुख की बात है कि देश की राजधानी में रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कभी राजौरी गार्डन में हम सुनते हैं कि बर्गर किंग के अंदर गोलियां चल गईं, कभी हम सुनते हैं कि नांगलोई के पास एक पुलिस वाले की जान चली जाती है जब वो अपनी ड्यूटी पर होता है, कभी हम सुनते हैं कि एक शोरूम के बाहर गोलियां चलती हैं, कभी वेलकम एरिया में 14 राउंड गोलियां चलती हैं। आज दिल्ली गैंगस्टर कैपिटल हो गया है। आज दिल्ली में क्राइम करने वालों को, जान लेने वालों को, एक्सटॉर्शन करने वालों को, गुंडागर्दी करने वालों को कोई भी डर नहीं बचा है। आज उन्हें लगता है कि हम गोली चला सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, खुलेआम एक 28 साल के लड़के को चाकू घोप घोप के मार सकते हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करेगी। आज भी परिवार यही कह रहा है कि जो मेन आरोपी हैं
जो गुंडे हैं इस इलाके के, जो हर तरह का गलत काम करते हैं, जिन्होंने परिवार के इस बेटे को मारा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो दो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो तो खुद सरेंडर किया है उन्होंने, और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये आज देश की राजधानी का क्या हाल बना दिया गया है। हम तो सुनते थे, फिल्मों में देखते थे कि एक समय में बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड का राज था, गैंगस्टर्स का राज था, लेकिन आज दिल्ली का भी यही हाल हो गया है। मैं आज देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से ये जानना चाहती हूँ कि जब पूरी दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था आपके अंडर आती है, जब दिल्ली की पूरी पुलिस व्यवस्था आपके अंडर आती है, तो आप दिल्ली वालों के लिए क्या कर रहे हैं? रोज एक्सटॉर्शन, रोज मर्डर, रोज गोलियां चलना? लेकिन देश के गृह मंत्री को चुनाव प्रचार के अलावा कोई काम नहीं है। गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी कभी हरियाणा में प्रचार कर रहे हैं, कभी झारखंड में प्रचार कर रहे हैं, कभी महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं, और यहाँ खुलेआम सुंदर नगरी में एक 28 साल के लड़के को छुरा घोप के मार दिया जाता है। दिल्ली में खुलेआम गोलियों के गोलाबारी होती है, 14-14 राउंड गोलियां चलती हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी दिल्ली में सिर्फ एक काम है, दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, दिल्ली की पुलिस व्यवस्था को सुचारू रखना, कि दिल्ली के लोग सुरक्षित रहें। तो आज मैं अमित शाह जी से पूछना चाहती हूँ कि आप दिल्ली वालों को कैसे सुरक्षित रखेंगे। आज मैं अमित शाह जी से कहना चाहती हूँ कि अपने राजनीतिक काम छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार प्रसार छोड़िए, और जो दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और सुरक्षा व्यवस्था मेंटेन करना आपका काम है,